हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्विनी तार्स। यहाँ पर फ्रेंड्स एक थालीपीठ बनाने की डिश मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर दूधी को अच्छे से किस के लिया हुआ है, थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पर। उसी के बाद अभी मैं ऐड करूँगी बारीक चाप किया हुआ कड़ी पत्ता। उसके बाद फिर मैं अभी ऐड करूँगी इसमें बारीक काटा हुआ मिर्ची। बहुत स्पाइसी एंड टेस्ट डिश है। और फिर उसके बाद ऐड किया मैंने बारीक चाप किया हुआ हरा धनिया एंड कांदा। उसके बाद सिंगदाना जितना चाहिए उतना आपकी टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। बहुत टेस्टी एंड यम्मी रहते हैं फ्रेंड्स। जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत, और मेरी चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक घंटे के पहले भिगा हुआ चना की दाल भी ऐड कर दिया। फिर वन टीस्पून ऑफ द जीरा भी ऐड किया। फिर धनिया की पाउडर भी ऐड किया इसमें। उसके बाद मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड किया। उसके बाद ऐड किया है लाल मसाला, आपको जितना चाहिए उतना। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी। ये सबको इतनी अच्छे से मिक्स करना है, नमक, लाल मसाला जो भी है, हरा मिर्ची, आप लोग को जैसे चाहिए वैसे टेस्ट अनुसार ऐड करने के बाद वेल एंड गुड मिक्स करके लेना है। आप लोग को अगर ज़्यादा तीखा लगता है तो आप लोग हरा मिर्ची को स्किप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। हम लोग को बहुत टेस्टी लगते हैं इसलिए हम लोग ने हरा मिर्ची ऐड किया। उसके बाद फिर 1 कप ऑफ द चावल का आटा डाल के फिर वापस मैंने अच्छे से मिक्स कर रहे। इसमें पानी पहले डालने का नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें वाटर क्वांटिटी बहुत रहते हैं दूधी में, इसीलिए उसको डायरेक्ट आटा सानने का थोड़ा सा पानी लगेगा तो ऐड करने का, नहीं तो नहीं। फिर थोड़ा देर के लिए रेस्ट किया। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको दिखाऊंगी ऐसा वाटी में पानी में हाथ रख के फिर आटा लेना है, फिर राउंड करना है, उस वजह से अपना हाथों को चिपकता नहीं। फिर एक दूध का पिशवी नहीं तो तेल का पिशवी को काट के अच्छी तरीके से उसके अंदर ये आटा को रख के प्रेस करना चाहिए। जितना बारीक चाहिए उतना, पतला चाहिए पतला, जाड़ा चाहिए जाड़ा, इतना करके फिर तेल में छोड़ देना है। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी डिश रेडी हो रहा है अपना। जिसको अच्छा लगा उन लोग प्लीज़ एक कमेंट देना तो भूलना मत। बहुत सारे लोग पूछा है इस रेसिपी का, इसलिए थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ मैंने। निर्मला, आपने पूछा था इस डिश का, तो मैंने इस रेसिपी आपको शो कर रही हूँ। प्लीज़ कंपलसरी ये डिश आपके घर पे बना के आप लोग टेस्ट करके मुझे बता दीजिए। वाह, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी दूधी का थालीपीठ तैयार हो चुका है। देखा फ्रेंड्स, वाह क्या टेस्टी है ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।